ऐश्वर्या शर्मा का जन्म मंगलवार 8 दिसंबर 1992 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी राशि धनु है। उन्होंने खेराखंड विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कटक में विशाद नाम का 6 वर्षीय पाठ्यक्रम किया है और उसके बाद उन्होंने इंजीनियर में डिग्री हासिल की है। ऐश्वर्या शर्मा के भाई का नाम पंजल शर्मा है। ऐश्वर्या शर्मा पहली बार नीरभट से घूमे किसी के प्यार के शेर पर मिली और उनसे प्यार हो गया। 30 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में शादी के बंधन में बंधने से पहले दोनों ने लगभग 1 साल तक एक दूसरे को डेट किया। शादी में केवल उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए थे। नीरभट ने शादी में मिलने से पहले ऐश्वर्या शर्मा को अपने कॉलेज बैचमेट राहुल पांड्या के साथ 6 साल तक रिश्ता था। वे उज्जैन के एक ही कॉलेज में पढ़ते समय मिले। एक अंतर कॉलेज प्रतियोगिता के दौरान उन्हें प्यार हो गया और 2011 में डेटिंग शुरू हुई। राहुल के अनुसार ऐश्वर्या के पिता उनके रिश्ते के खिलाफ थे, जिसके कारण उन्होंने बाद में ऐश्वर्या को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे भेज दिया, लेकिन वह मिलने में कामयाब रहे। इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में राहुल ने बताया कि ऐश्वर्या एक्टिंग में करियर बनाने के लिए 2014 में मुंबई चली गई। नील से शादी करने से 1 साल पहले उसने राहुल को फोन किया, जिसका मानना था कि उसे अपने भविष्य के बारे में सोचने की समस्या चाहिए। हालांकि वह नील भट्ट से उनकी शादी के बारे में जानकर हैरान रह गए। इंटरव्यू में राहुल ने बताया कि इस घटना ने उन्हें उदास कर दिया था और आत्मघाती विचारों से जूझ रहे थे। राहुल पांडे ने कहा, उसने शादी से 1 साल पहले मुझे फोन किया और मुझसे पूछा कि क्या मैं कर रहा हूँ और कैसा हूँ। मैं जिद पर अड़े हुए था और मैं समझ गया कि उसे समय की जरूरत है। मैं यह सुनकर हैरान रह गया कि वह आगे बढ़ गई। मैं बहुत बुरे दौर से बाहर आ गया हूँ, जहाँ मुझे ठग हुआ है महसूस होता था और कभी कभी आत्महत्या का भी ख्याल आता था। मैं उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहता था, उस तरह का प्रेमी हूँ। ऐश्वर्या शर्मा ने 2015 में शो को कॉर्डरेट में एक सस्ती उपस्थिति के साथ टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। 2020 में उन्होंने नील भट्ट और आयशा सिंह के साथ जो शो गुम है किसी के प्यार में पंखी की भूमिका निभाई। ऐश्वर्या 2023 में रियलिटी शो बिग बॉस 17 में एक प्रतियोगी के रूप में दिखाई दी। यह शो कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ।